और संसद के हर एक सत्र के अवसान पर हम एक समीक्षा प्रेस वार्ता करते हैं। आज हमने अपने दोनों सदनों के नेताओं और दोनों सदन में मुख्य सचेतक उनको आमंत्रित किया है। मैं स्वागत करता हूं देश के वरिष्ठ नेता विपक्ष के नेता आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी का, आदरणीय अधीर रंजन चौधरी जी का, आदरणीय जयराम रमेश जी का एवं आदरणीय कोडिकुनिल सुरेश जी का। मैं आग्रह करूंगा खड़गे जी से कि वो प्रेस वार्ता आरंभ करें। सभी को मेरा नमस्कार। हम यहाँ पर जो उपस्थित हैं, हमारे पार्लियामेंट के नेता अधीर रंजन चौधरी जी और हमारे चीफ व्हिप राज्यसभा श्री जयराम रमेश जी और लोकसभा के चीफ व्हिप श्री कोडिकुनिल सुरेश जी और प्रेस के हमारे जो मीडिया के मित्र झा जी और सभी दोस्तों, ये एज यूजुअल आपको मालूम है जब हमारा सत्र खत्म होता है सेशन, उस वक्त हम हमेशा आपके सामने आते हैं और जो पार्लियामेंट में हमने अपने बातों को मुद्दों को वहाँ पर जो रखते हैं उसका थोड़ा सा विवर आपके पास देते हैं और ताकि देश के लोगों को ये भी मालूम होने दो कि पार्लियामेंट में किन किन मुद्दों पे चर्चा हुई और किन विषयों पे गहरी चिंता व्यक्त की गई है और सरकार का रुख क्या था, ये सारी चीज़ें भी मालूम होती है। इसीलिए हमेशा के जो रूढ़ी है, रूढ़ी के तहत आज फिर हम आपके सामने आए हैं। तो पहला मुद्दा, सबसे महत्व का मुद्दा, और सभी देश की जनता ये चाहती थी, जो सबको बहुत इन्फ्लेशन से जो प्रभावित हुए हैं लोग, जो इफेक्टेड हैं, उनकी चिंता करने की आवश्यकता थी। इसीलिए हमने इन्फ्लेशन के विषय पर, जो कीमतें बढ़ रहे दिन पे दिन, उन पर हमने सदन में सवाल उठाए और बहुत सी चीज़ों पे हम मनवाने की उनको कोशिश किए कि जो डीजल, पेट्रोल, LPG, CNG, PNG, केरोसिन, इसके जो दाम बढ़ रहे हैं दिन पर दिन, चुनाव के पहले तो उन्होंने पेट्रोल का दाम कम करा और वो घोषणा की थी, लेकिन यूं ही 5 राज्यों के चुनाव हो गए और जो जीत गए तब लोगों को वो, यानी लोगों का खासकर उनका शोषण शुरू किया, गरीबों को तंग और तबाह करने का उनका जो मंशा था वो फिर शुरू हुआ। अब तक उन्होंने 10 रुपये से ज़्यादा डीजल और पेट्रोल पे दाम बढ़ाए हैं और LPG का तो आपको मालूम है 50 रुपये ऑलरेडी बढ़ा है। अभी भी 2 kg अपने इसको उन्होंने 2 रुपये 50 पैसे
उन्होंने बढ़ाया है, हाँ सीएनजी का बढ़ाया है, सीएनजी के ऊपर जो भी अभी यानी हर मिनट पे, हर सुबह उठते ही आप देखेंगे कुछ ना कुछ, या तेल के दाम बढ़ेंगे, या पेट्रोल के बढ़ेंगे, या डीजल के बढ़ेंगे, या एलपीजी के बढ़ेंगे, या अपना एनपीके के बढ़ेंगे, यहाँ तक कि आवश्यक वस्तुओं के जो औषध है उसके दाम भी करीब, मैं समझता हूँ 80 औषधों के दाम भी 15 से 17% तक उन्होंने बढ़ाया है। तो इस पे हम चर्चा चाहते थे, इस लोगों को हम बताना चाहते थे, जब इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस के दाम कम है, क्रूड ऑयल के प्राइस कम हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर रोज बढ़ रहे हैं। जब अपनी सरकार थी यूपी की, उस वक्त इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस यही प्राइस जब थे 110, 112, 120 तक भी गया था पर डॉलर पर बैरल, तो भी हमने जनता को कम करके उनको राहत दिया था और सब्सिडी दी थी, लेकिन इसके ऊपर उन्होंने कोई सोचे भी नहीं, समझे भी नहीं, और वो बात हमेशा करने ही नहीं देते थे। और उनका कहना ये था कि आप बजट पे बात किए, इस पे ज़रूरी नहीं है, सप्लीमेंट्री बजट पे बात किए, इसलिए इसकी चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा यानी इसको टालते गए ताकि उनके कमियां जनता को मालूम न हो, और जो माध्यम से हो या पार्लियामेंट के तौर से ये मालूम नहीं होना, इस वजह से उन्होंने हमेशा इसको रोका। चर्चा के लिए उन्होंने कभी परमिशन नहीं दिया, यहाँ तक कि सरकार इसके लिए बात करने को भी वो तैयार नहीं थी। ये एक तरफ है। दूसरे तरफ जो किसानों के फर्टिलाइज़र के, वो भी दाम बढ़ाए, तो फर्टिलाइज़र की दाम बढ़ गई, एलपीजी की दाम बढ़ गई, पेट्रोल डीजल का तो वो बढ़ते ही जा रहा है, औषध का भी बढ़ा, तो ऐसा एक आइटम भी नहीं छोड़ा जिससे गरीबों को आज उसका परिणाम भुगतना पड़ रहा है। तो इसीलिए इस सत्र में इस मुद्दे पे हम बहुत चर्चा करना चाहते थे। बाकी के तो बजट पे हम कोऑपरेट किया, सप्लीमेंट्री बजट पे कोऑपरेट किया, बहुत से जो चीज़ें वहाँ पर जो प्रस्तावित गई वो सारे चीज़ों को हमने सपोर्ट किया, लेकिन जो असल मुद्दे थे ये कीमत इन्फ्लेशन का, तो उस मुद्दे पे चर्चा होने नहीं दिया, अनएम्प्लॉयमेंट पे होने नहीं दिया, और लेबर डिपार्टमेंट का चर्चा हो गया लेकिन रिप्लाई नहीं हुआ। तो ये क्या चाहते हैं? और आज पार्लियामेंट 2 दिन पहले ही बंद कर दिया गया। अरे हालांकि आपने एजेंडा दिया था कि शुक्रवार तक चलाएंगे, हम तो तैयार थे, लेकिन उन्होंने आज ही सुबह वो 11 बजे 11:15 बजे बंद कर दिया। तो इससे ये हम यही समझ सकते हैं कि महसूस कर सकते हैं कि सरकार को जो गरीबों की समस्या है, किसानों की समस्या है, अनएम्प्लॉयमेंट युवकों की समस्या है, इसको सुलझाना नहीं चाहते। तो इसीलिए हम आपके सामने ये चीज़ें रख रहे हैं, और पहले के सत्र में भी हमने बहुत कुछ बातें बोले, जब राष्ट्रपति के भाषण पे भी हमने अपने मुद्दे जो रखे थे उस वक्त भी आपके सामने वो बातें रखे हैं। तो ओवरऑल ये गवर्नमेंट
चर्चा के लिए तैयार नहीं है। दो दिन रहते ही इस सदन को उन्होंने आगे डाल दिया। तो मैं इतना ही कहता हूं, अब हमारे अधीर रंजन चौधरी जी अपने बात रखेंगे। हो गया तो नया बात कुछ नहीं है। खड़गे जी जो कह दिए हैं इसमें नया बात और जोड़ने का कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन एक बात जरूर मैं कहना चाहता हूं कि आप जानते होंगे कि सदन में सदन चलाने के लिए सरकार और विपक्ष में वार्तालाप करते हैं तो कुछ तरीका परंपरागत भावना से सदन में बरकरार रहते हैं। एक तो हमारा तरफ से अगर कोई मुद्दा उठाना चाहते हैं तो सीधा स्पीकर साहब को दरखास्त करते हैं, और नहीं तो जब बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग होती है तब हम सारे बात हुआ रखते हैं, सरकार भी रखते हैं, हमारी तरफ से भी रखा जाता। ऐसा बीएसी मीटिंग होने के बाद हमें सबको ये मालूम होता कि भाई अगले हफ्ते में क्या क्या मुद्दा सदन में चर्चा होने के लिए प्रस्तुत किया जा रहे हैं, और इसी मसले पे हम सारे हमारे मेंबरों को ये वार्ता दे देते हैं कि आप तैयार रहो क्योंकि इस विषय पे चर्चा होना बाकी है। ऐसा ही एक बिजनेस एडवाइजर कमेटी की मीटिंग में हमारे पार्टी की तरफ से दो मुद्दा हम रखे थे अंडर रूल 193 में, और साथ साथ डिमांड फॉर ग्रांट्स में अनुदान की चर्चा में हम और दो मुद्दे रखे थे। जो डिमांड फॉर ग्रांट्स में चर्चा हुई उसके अलावा हमारी तरफ से ही मांग किया गया था कि मिनिस्ट्री ऑफ होम पे सदन में चर्चा होना चाहिए, मिनिस्ट्री ऑफ होम की डिमांड फॉर ग्रांट्स पे, और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की, रक्षा मंत्रालय की जो डिमांड्स फॉर ग्रांट्स उसमें भी चर्चा होना चाहिए। और साथ हम लोग ये भी मुद्दा रखा था कि हमारे सदन में एक्सटर्नल अफेयर्स में उनका जो डिमांड्स फॉर ग्रांट्स होते हैं उसमें भी अगर हो तो चर्चा करने का मौका दिया जाए। ये गए डिमांड्स फॉर ग्रांट्स की मसला। दूसरी तरफ 193 जो हम बात करते हुए फैसला लेते हैं उसमें हमारे तरफ से ये मांग किया गया था कि एक रूस यूक्रेन जंग और उसके साथ उत्पन्न स्थिति में हमारे देश की छात्र छात्राओं और बाकी सारे जो लोग फंसे हुए थे, और उसके साथ साथ हम अगले दिन हमारे देश की तरफ से हम क्या सोचते हैं ये मुद्दे को लेकर ये सदन में चर्चा होना चाहिए। और खासकर जो चीज में मैं हमारे पार्टी की तरफ से बार बार गुहार लगाए थे हम लोग चाहे स्पीकर साहब के पास और चाहे बीएसी कमेटी में, वो यह था कि महंगाई चौतरफा महंगाई से सारे हिंदुस्तान के आम लोग परेशान हैं, मुश्किल झेलने पड़ते हैं, दिनों दिन इनकी माली हालत बिगड़ते जा रहे हैं, और इसके लिए एक बड़ी वजह यह है कि महंगाई। तो देखिए बीएसी कमेटी में फैसला हो चुके कि महंगाई पे चर्चा होगी। सत्ता पक्ष या तो बाहर में मीडिया वालों को भी बोल दिया था कि हाँ हम अगले दिन महंगाई पे चर्चा करेंगे। अंतिम दिन तक हमें यह पता था कि हमें महंगाई पर चर्चा करना चाहिए, लेकिन अचानक आज ये सदन रद्द कर दिया गया। कल शाम को हमें पता चला कि कल सुबह सदन रद्द होने वाला है, पहले भी ये जानकारी नहीं दिया गया था हमें। अचानक सदन रद्द करते हुए हमारी जो असली मुद्दा था, और सिर्फ हमारी नहीं सरकार जिस मुद्दे पे ये सहमति जताई थी उस मुद्दे से सरकार खुद भागे। ये सबसे बड़ी देखने वाले चीज ये होते हैं, सरकार जो देश चलाते हैं वो बीएसी कमेटी में
सहमति देते हैं और उसके बावजूद जब समय आते हैं तो भाग जाते हैं, क्योंकि जब यह बीएससी कमेटी में तय हुआ था उस समय इनको शायद ये लगा था कि मैनेज हो जाएगी। चलो महंगाई के मुद्दे पे चर्चा कराया जाए क्योंकि मैनेज किया जाएगा, लेकिन बाद में देखा कि रोजाना सुबह होते ही जिस तरीके से बेतहाशा दामों पर इजाफा हो रहे हैं और लोगों में खौफ और गुस्सा रोष पैदा होते हैं, इसके मुकाबला करना उनके लिए अभी उतना आसान नहीं होगी। इसलिए वो एस्केप रूट, ये भागने वाला राह अपनाते हुए वो क्या किया, चलो सारे सदन को रद्द किया जाए, सारे सदन को रद्द किया जाए, ये मुद्दा न रहेगी, ना कोई बांसी रहेगी ना कोई बजाने वाला रहेगी सदन के अंदर, बस चलो सदन ही खत्म कर दे। नहीं तो ऐसा कोई ठोस वजह नहीं था ये सदन रद्द करने के लिए। कहिए 8 तारीख तक ये सरकार खुद ऐलान किया था कि सदन चलेगी, लेकिन अचानक कल शाम में पता चला कि ना सदन आज से रद्द किया जाए। क्यों? क्योंकि हमारे मुद्दा था महंगाई, ये सरकार महंगाई पर चर्चा नहीं करना चाहते, वजह स्पष्ट है, हमारे नेता मल्लिकार्जुन खड़गे जी सारे कुछ स्पष्ट रूप से आपको व्याख्यान दिए हैं। ये हर सुबह एक बार तो चलो सूरज को प्रणाम, हम लोग प्रणाम करते हैं सूर्य देवता को, और दूसरी तरफ सुबह ही तोहफा मिल जाते हैं, चलो आज इसका दाम इजाफा हो गए, कभी CNG, कभी PNG, कभी पेट्रोल, कभी डीजल, कभी रसोई गैस, कभी खाद, कभी दवाइयाँ, चलो जो मर्जी, केरोसिन जो सारे हिंदुस्तान के आम लोग गरीब लोग इस्तेमाल करते हैं उसको भी नहीं छोड़ा। क्यों? जंग शुरू हो गए इसलिए, मान लेते हैं जंग जरूर हुए हैं, हो रहे हैं, लेकिन ये सरकार की वित्त मंत्री खुद बयान देते हैं कि ये मौके का फायदा उठाते हुए हम सस्ते में तेल खरीदेंगे। सरकार की वित्त मंत्री खुद कहती है कि अभी डिस्काउंटेड प्राइस में, मतलब सस्ते में हम तेल खरीदेंगे, क्योंकि जंग के चलते रशिया सस्ते में तेल बेच रहे हैं, डॉलर के कारोबार में थोड़ा कठिनाई आ गए हैं, स्विफ्ट के चलते उनको पर पाबंदी लगाए गए, तो चलो सस्ते में जो जो देश तेल लेना चाहते हैं ये सस्ते में हम तेल बेचने जा रहे हैं। और सरकार की वित्त मंत्री खुद कहते हैं कि हाँ ये डिस्काउंटेड प्राइस में भी तेल मिलना आसान हो गए, हम धरने से तेल खरीदेंगे, और सस्ते मतलब $35 एक बैरल। बताइए जब सरकार खुद कहती है सस्ते में तेल मिलते हैं इसलिए हम रशिया से तेल खरीदेंगे, तो वजह क्या था कि रोजाना सुबह होते ही सुबह में एक तोहफा देते हैं हिंदुस्तान के आम लोगों को, कुछ ना कुछ दामों में इजाफा करते। क्यों? इधर तुम दाम में इजाफा करते हैं, सदन में जवाबदेही से बचने के लिए सदन छोड़ के भागते हैं, सदन को रद्द कर देते हैं, और तुम्हारा स्थापना दिवस में ये हमारे ज्ञान दिए, हमको ज्ञान दिया जाता है कि लोकतंत्र को पालन करते चलो। ये क्या लोकतंत्र की नजारा है? ये क्या लोकतंत्र की नजारा है? ये सरकार की खुद कहते, स्पीकर साहब खुद कहे हैं आज कि 129% उत्पादकता है सदन की, तो 129% जब एक सदन की उत्पादकता होते हैं इसका मतलब क्या? इसका मतलब विपक्ष सहयोग करते हैं। हाँ, हम सहयोग करते हैं चर्चा के लिए, क्योंकि हम आम जनता का नुमाइंदे होते हुए हमारे ये फर्ज बनते हैं कि सदन के अंदर चर्चा करते हुए आम लोगों की जो समस्या है ये समस्या को समाधान निकालने का कोई राह ढूंढे, वो हम करते हैं। इसीलिए हमारे सहयोग से 129% उत्पादकता सदन की बढ़े हैं, लेकिन सरकार ये मानने के लिए तैयार नहीं है। जब ये सरकार आज की जो सत्ताधारी, वो जब विपक्ष में बैठते थे तब क्या कहते थे कि सदन को ठप कराना, सदन को तोड़फोड़ करना, सदन को जबरदस्ती रद्द करा देना लोकतंत्र को एक हिस्सा बनते हैं, और आज ये सरकार को खुद कहने पड़ता कि 129% हमारा उत्पादकता हो चुके हैं। इसका मतलब विपक्ष होने होते हुए भी
हम एक जिम्मेदारी संभालते हुए, ये जिम्मेदार न दिखाते हुए हम सदन को सहयोग किए हैं आम लोगों की बात रखने का। जो सबसे बड़ा पंचायत है वो पंचायत को सुचारू रूप से परिचालना करते हुए हम मदद किए हैं, ये स्पष्ट होते हैं। लेकिन हमारा बात फिर भी रखने का मौका नहीं दी जाता है। इसलिए दो दिन पहले सरकार भागने की मंशा से चुप्पी साधे अचानक सदन को रद्द कर दिया, एडजर्नमेंट कर दिया अनिश्चितकाल के लिए। यही हमारा ये सरकार के, ये जो नई न्यू इंडिया की, न्यू सरकार की, ये न्यू सोच की आपको जानकारी हम दे रहे हैं। थैंक यू। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि राज्यसभा में जो बिज़नेस एडवाइजरी कमेटी होती है उसमें कई विधेयकों के लिए समय अलॉट हो चुका था और विपक्ष तैयार बैठा था कि ये बिल्स आएंगे, क्योंकि बिज़नेस एडवाइजरी कमेटी में इन बिल्स के लिए समय अलॉट हो चुका था। पर कल हमें पता चला, जैसा कि खरगे जी और अधीर जी ने बताया है, कल हमें पता चला कि आज साइनेड आई एडजर्न होगा। तो मैं समझता हूँ ये सरकार की विफलता है, सरकार के पास कोई एजेंडा नहीं रहा और जो बिल्स के लिए समय अलॉट हो चुका था वो भी नहीं ला पाए। मिसाल के तौर से मैं दो बिल्स का जिक्र करूंगा। एक वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन बिल है जो लोकसभा में पारित हुआ, आज वो राज्यसभा में आने वाला था, उसके लिए दो घंटे का समय भी अलॉट हो चुका था। और एंटार्क्टिका अंतर्राष्ट्रीय समझौता, एंटार्क्टिका ट्रीटी के संदर्भ में एक और बिल था, उसके लिए तीन घंटा अलॉट हो चुका था, पर ये दो बिल नहीं आए और हम तैयार थे इस पर चर्चा करने के लिए। तो मैं समझता हूँ एकमात्र कारण था कि सरकार महंगाई से भाग रही थी, क्योंकि सारे विपक्ष की पार्टियाँ, कांग्रेस, टीएमसी, समाजवादी, डीएमके, शिवसेना, एनसीपी, सभी पार्टी, आम आदमी, सभी प्राइस राइज पर चर्चा चाहते थे, सरकार नहीं चाहती थी। और दूसरी बात जो बार बार सरकार कहती है कि हम समझौता कर रहे हैं किसान संगठनों से, उस पर हम चर्चा चाहते थे। और हमारे जो साथी हैं दीपेंद्र हुडा जी, उन्होंने कई बार नोटिस दिया है कि ये समझौता के बारे में हम चर्चा करें, पर उस पर भी मंजूरी नहीं दी गई। तो मैं समझता हूँ ये अचानक कल निर्णय लेना, जब बिल्स लंबित थे, समय उनके लिए अलॉट हो चुका था और महंगाई और किसान संगठनों से समझौते के बारे में कई नोटिस दिए गए थे कई पॉलिटिकल पार्टीज़, कई राजनीतिक दलों से, उससे भागने के लिए मैं समझता हूँ ये आज ये निर्णय लिया गया कि आज दो दिन हमने बर्बाद की, आज का पूरा दिन और कल, तो दो दिन बर्बाद हुआ। मैं समझता हूँ ये हमारी कोई इसमें गलती नहीं थी, ये सरकार की ओर से, मैं समझता हूँ ये जो सरकार की एजेंडा मैनेज करते हैं उनकी विफलता है। और मैं एक और बात कह दूँ, हमने लीडर ऑफ द हाउस अरुण जेटली को देखा है, वो हाउस में बैठा करते थे, हमने तंवर सिंह गहलोत जी को देखा है हाउस लीडर, वो हाउस में बैठा करते थे, पर पहली बार हम देख रहे हैं हाउस ऑफ द लीडर ऑफ द हाउस लापता हैं, वो कभी हाउस में रहते ही नहीं हैं, मंत्री हैं, हम सब जानते हैं मंत्री हैं, सभी लोग मंत्री रह चुके हैं, पर हाउस में रहना हमारा पहला कर्तव्य बनता है। जब हाउस सेशन में है
तब मंत्रियों को आना, लीडर ऑफ द हाउस को आना, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन तो बैठते ही रहते हैं, पर पहली बार मैं देख रहा हूं कि लीडर ऑफ द हाउस लापता है, दिखाई नहीं देते हैं। प्रधानमंत्री तो हम तो देखते ही नहीं हैं, पर कई 8 साल से प्रधानमंत्री मैं समझता हूँ 4-5 बार आए होंगे, पर लीडर ऑफ द हाउस को आना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि वो हाउस चलाते हैं एलओपी के सहयोग से और चेयरमैन से सहयोग से। एलओपी और लीडर ऑफ द हाउस दोनों एक स्तंभ होते हैं हाउस के। तो इतना ही मैं कहना चाहता हूं, और बारिश सारी बुंदे एलओपी और अधीर जी ने आपको सुना दिया है। नो जो आप अंग्रेजी में, अंग्रेजी में टाइम अलॉट हुआ था ये बिल पे, द हाउस हैज गॉट एडजर्नड एंड वी हैव लॉस्ट 2 days ऑफ बिजनेस टुडे एंड टुमारो। इन द राज्यसभा आई कैन से कॉन्फिडेंटली द बिजनेस एडवाइजरी कमिटी हैड एलोकेटेड टाइम फॉर बिल्स, दोज बिल्स हैव नॉट कम टू द राज्यसभा। The opposition was prepared for a full discussion on the Weapons of Mass Destruction Bill, which was passed in the Lok Sabha yesterday. We were also prepared for a discussion on the Antarctica Bill, for which time was allocated. So, I'm surprised that bills for which time has been allocated by the Business Advisory Committee have not been brought by the floor managers. They could have brought it today. They could have brought it tomorrow. So I think the real reason why the Rajya Sabha has got adjourned 2 days, for 2 days, lost 2 days, the real reason is the combined opposition wanted a discussion on price rise, which the government was not willing, exclusively on price rise, not on budget and not on appropriations, but exclusively on price rise, prices of petroleum products, prices of edible oil, prices of medicine. And the second issue, which my colleague Deepinder Hooda had given multiple notices, was on the state of implementation of the agreement with farmers' organizations, which the government was unwilling to discuss. So this is the real reason why the House has got adjourned. And we have lost 2 days. When there was bills, time had been allocated, opposition was prepared to discuss. So the two issues, price rise and farmers organization agreement, I think the government did not want to have a discussion and they adjourned the house. I also want to say that this is the first time we have seen Mr. Arun Jaitley as the leader of the house. We have seen Mr. Tamarchand Gehlot as leader of the house. They used to be sitting in the house. They used to be present in the house. The leader of the opposition and the leader of the house are two pillars on whom the chair depends. But it's extraordinary that the leader of the house is rarely present. In fact, I should say he's never there. And the house cannot function if the leader of the house is not present. We all know that these are ministers. But when the parliament is in session, the first and primary responsibility, even of the minister, is to parliament. And especially when you're leader of the house, your primary responsibility is to execute your job as leader of the house. Thank you, sir. If you permit, we'll take a couple of questions. So, Subhadra, I'll come. Hold on. That's why our party has taken a decision to protest
in all states against this price rise. And last time, 31st March was the date given for this agitation. And today also, and we are agitating throughout the country, state capitals regarding this inflation, and also in the district places. See, these are our efforts. We are doing our best to convince the to redress the grievances of the people. But government is not ready to listen this. Even they are not ready to listen media or even discuss this issue in parliament and even outside. Therefore, we are doing our best. My party is doing best to take this issue on the street, and we will go on fighting this issue. Thank you, sir. I'll take Supriya from Aztec. You raised this, no? Huh? This is a yes, yes. Parliament ke upar ye briefing hai, alag se puch lijiyega. See, the government, it was a commitment made by the government. BAC meeting means the discussion that took place between the opposition and the government. It used to take place between opposition and who are in position. And there, unanimously, some issues are identified, and accordingly, time also used to be allocated. But here, it is the breach of the commitment made by the government itself. So certainly, the credibility index of government could be a matter of a great question. Because being an opposition party, we cannot dictate how the house will be running. It is the government who is incumbent upon transacting the business of a house. When the government commits that, yes, you are the opposition party, you are demanding the issue, we are also giving our assent and agreed upon to raise the issue, and accordingly, time was also allocated. So it is a breach of the commitment, that commitment made by the government. Siddharth from ANI, thank you, sir. Yeah, good. Sir, Lok Sabha mein to BAC meeting mein baat ki charcha bhi ki gayi thi ke charcha hogi sadan mein, lekin dono mein aap mera do se sawal hai ki sarkar ek taraf Lok Sabha mein 132% productivity ki baat kar rahi hai, Rajya Sabha mein 99%, to sarkar ka to business pura ho gaya, lekin vipaksh apni baat nahi rakh paya, mudda nahi rakh paya. देखिए, हमने तो हर मुद्दों को यहाँ स्पष्ट किया. इन्फ्लेशन हमारा मुद्दा था, अनएम्प्लॉयमेंट हमारा मुद्दा था, और बहुत से इवन फॉरेन पॉलिसी के विषय पे भी हमारे मुद्दे थे. लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा ये था कि इन्फ्लेशन का और अनएम्प्लॉयमेंट का, इन मुद्दों पे वो चर्चा करने के लिए तैयार नहीं. और उनका जो एजेंडा क्या कंप्लीट हुआ, जो बिल आए या बजट पे चर्चा थी. अब बजट पे चर्चा अगर हम रोक भी पाते, सबकी तनख्वाह बंद होती थी, तो हमको उधर जो चीज़ों को महत्व देना है वो दिए. लेकिन वो लोग क्या सुनना चाहिए था, किन मुद्दों को वो हमको उत्तर देना चाहिए था या देश के जनता को, वो नहीं किए. इसीलिए वो चर्चा से भागना चाहते थे, अब दौड़ भाग गए हैं. थैंक यू सर.
नीरज फ्रॉम नेटवर्क 18। हाँ ठीक है, गेजेट नोटिफिकेशन होने दो, फिर आपसे मिलेंगे, फिर बात करेंगे। नहीं, ये जब हमारे पास मुद्दा आएगा, क्योंकि एक पार्टी तो तय नहीं कर सकती और एक पार्टी के पास ही कोई मेजोरिटी नहीं है, तो इसलिए जब मुद्दा आएगा हम मिलके उसको डिसाइड करेंगे। हाँ क्या है बोलिए। कांग्रेस विपक्ष, सी वी हैव अपोज द बिल एंड सजेस्टेड that given the importance and the intricacies of this legislative document, it should be further scrutinized by the standing committee, which was negated by the concerned minister and the government. Our proposal was, our suggestion was only to go deep into this legislative document, because there is a various ramifications inherent in this bill. So we need to be cautious. We should tread on the path cautiously, and better the bill should be sent to the standing committee for further scrutinization. एक मिनट, ये देखिए, उसको ट्विस्ट मत करने से। कोऑपरेशन का मतलब ये होता है, जो बिल कॉमन होते, जैसा सप्लीमेंट्री बिल कहा मैंने, बजट कहा, ये होते हैं, बाकी के बिल पे तो चर्चा होती है, हम अपोज करते हैं, डिवीजन मांगते हैं और वॉकआउट भी करते हैं चंद इशू पे। तो ये प्रोडक्टिविटी इन्होंने जो बताई 133%, तो उसका उद्देश्य ये था कि हाउस जो चला, चलने के लिए कोऑपरेट किए, लेकिन अपने विषय जो रखना था और हमारा जो डिसेंट था न, वो सारी चीज़ें रखे। आप देखे होंगे कल सीआरपीसी पे चिदंबरम साहब अपनी बात को रखे, एमसीडी के ऊपर सिंघवी साहब बात रखे, ये सब आप देखने के बाद हम अपने बात को ठोस रखते हैं। जब वो नहीं मानते हैं तो हम वॉकआउट तो करते हैं या डिसेंट वहाँ पर दिखाते हैं। तो ये चीज़ें होती है, उसको ये मत करिए कि कोऑपरेशन दे रहे हैं तो सबको सहमति है, ऐसा नहीं होता। कोऑपरेशन की मतलब होता है क्वांटिटी के साथ साथ क्वालिटी भी होते हैं। मैं ये भी कह दूं, जैसा कि अभी अधीर जी ने कहा है, कि हमने एमसीडी बिल का पूरा विरोध किया और आज भी विरोध करते हैं। प्रिजनर आइडेंटिफिकेशन बिल, जो क्रिमिनल कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर अमेंडमेंट बिल, उसका हमने पूरा विरोध किया, आज भी विरोध करते हैं। और कल हमारे ओर से पूर्व गृह मंत्री चिदंबरम साहब ने मौजूदा गृह मंत्री से चार सवाल पूछे, और चार सवाल से दो सवालों का स्पष्टीकरण गृह मंत्री ने दिया, और गृह मंत्री ने स्वीकारा कि जो मुद्दे पूर्व गृह मंत्री उठा रहे हैं उसमें दम है, इसीलिए उन्होंने स्पष्टीकरण दी। पर बाद में और जो बाकी दो सवाल थे उसके लिए समय नहीं रहा। तो ऐसा नहीं है कि जैसा कि अभी खड़गे साहब ने कहा है, आप ट्विस्ट मत कीजिए। ये इसका हम विरोध करते हैं। और मैं और एक और बात कह दूं, ये जो कल कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर अमेंडमेंट बिल लाया गया, डेटा प्राइवेसी बिल तो लाया नहीं गया, डीएनए के बारे में बिल नहीं लाया गया। बिना डीएनए रेगुलेशन बिल के,
बिना डेटा प्राइवेसी बिल के कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर बिल पास कराना गलत था और आज भी हम उसे गलत मानते हैं। थैंक यू। देखिए आज आप लोगों से मुलाकात करते हैं और आप बात रखते हैं, अगर आप सब ने मिलकर ये बात ठीक तरीके से पेश करोगे आम लोगों के सामने, ये भी एक दबाव बनेगा। तो दबाव बनने की हर एक किस्म के तरीका होते हैं, सदन के अंदर भी है तो है होते हैं, सदन के बाहर भी होते हैं। इसलिए सदन के अंदर हम लोग जो बात रखने का कोशिश किया उससे तो भागा ये सरकार ने, लेकिन ये जब बाहर में आएगा तो भाग नहीं पाएगा। तो आप भी थोड़ा ये दबाव बढ़ाओ, क्योंकि सबको इससे मुश्किल को झेलना पड़ता। आपको स्कूटर, आपको मोटरसाइकिल की जो खर्चा बढ़ रहे हैं, बाजार में आप भी जाते हो, आप अपना महंगा को खुद आप जानते हो, ये मुसीबत की झेल आप खुद को ये मुसीबत को झेलना पड़ते। हम यहाँ नया क्या बात बताओ। देखिए वो जनरल विषय जब हमारा पार्टी की जब प्रेस कॉन्फ्रेंस है उस समय आप पूछ। लास्ट वन। अच्छा थैंक यू एवरीवन, थैंक यू वेरी मच। शायद उसी वक्त वो ये जॉब देंगे।